हम तो भली भांति दौड़ रहे थे। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत कर रहा? आत्मा की रीति पर आरंभ करके शरीर की रीति, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक लिया? गलातियों से पूछा जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, यहां पे बोला गया है, सी द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक रूप से फलवंत होने का भेद यह है कि जिस रूप से आपका आत्मिक शुरुआत हुआ वही रूप से ही आप बढ़ेंगे। इट इज नॉट कि दिस वॉज माय रूट, ये था जैसे मुझे बढ़ना है प्रभु में, जैसे मैं प्रभु में आया, अब मुझे प्रभु में बढ़ना है तो मुझे दूसरा कुछ करना पड़ेगा। नो, जिस जो प्रिंसिपल, जिस सिद्धांत से आप प्रभु में आए वही सिद्धांत से आप प्रभु में बढ़ेंगे। और किस सिद्धांत से प्रभु में आया गया था वो चीज को हम लोग देखेंगे, वो जड़ को हम लोग देखेंगे। द वे टू क्रिश्चियन ग्रोथ इज द वे ऑफ क्रिश्चियन बर्थ, जैसे आदमी मसीह में जन्म लिए वही तरीका से आदमी मसीह में बढ़ेगा। व्हाट डू आई मीन, आदमी मसीह में कैसे नया जन्म पाए? एफिसियों का 2:8, अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं, सॉरी, विश्वास से, अनुग्रह के अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। हम लोग का शुरुआत मसीह में नया जन्म कैसे हुआ? विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से। रूट जो है, जड़ है जो है, वो हमारे आदि के बारे बात कर रहा है। इट इज टॉकिंग अबाउट आवर ओरिजिन, अल्फा, हम लोग का शुरुआत के बारे बात करता है। जड़, जहां से सब कुछ शुरू होता है, पहले जड़ निकलता है। परमेश्वर बोल रहे हैं अपने जड़ों में वापस जाओ, अपने जड़ में वापस जाओ, नींव को सुधारो, जड़ में वापस जाओ। परमेश्वर कलीसिया को बोलते हैं तुम्हारा ओरिजिन कहां से था, तुम्हारा आदि, तुम्हारा शुरुआत कहां से हुआ था? क्रूस से हुआ था, क्रूस से हुआ था, वापस क्रूस पे जाओ। एक जय से दूसरा जय मत जाओ, क्रूस से पहला जय में जाओ, उसके बाद वापस क्रूस में आओ, फिर दूसरा जय में जाओ, वापस क्रूस में आओ, फिर तीसरा जय में जाओ। इट्स नॉट कि जय से फिर जय से फिर जय, नो, जेरिको को हराया, उसके बाद जेरिको के बाद डायरेक्ट आई में जाके लड़ाई किया और हार गया, इसलिए क्या करना है? गिलियड से जेरिको गया ना, अब वापस गिलियड जाओ, सॉरी गिबियन, गिबियन से गिलियड था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, वापस वहां जाओ जहां खतना हुआ था, जहां तुम्हारा हृदय का खतना हुआ था क्रूस में, और तब आई की ओर जाओ यहोशू, नहीं तो तुम फिर गिरोगे, तुमको वापस आते रहना पड़ेगा क्रूस पे। पॉलुस, तुम पूरा मिशनरी ट्रिप किया, अब क्या करो? वापस यरूशलेम जाओ, फिर जाओ मिशनरी ट्रिप पे, फिर वापस यरूशलेम जाओ, फिर मिशनरी ट्रिप पे जाओ, वापस आ नहीं सकता अब जेल में। वो एक कौवा है जो जाता है और लौटता है, लेकिन कबूतर जो पवित्र आत्मा का रिप्रेजेंटेशन है, मेटाफोरिकली स्पीक, वो वापस आता है, वो वापस आएगा, यू अंडरस्टूड, वो वापस आता है। यहीं पे हम लोग हार जाते हैं। एक बार जब परमेश्वर हमें आशीष देना शुरू करता है और सक्सेस आने लगता है हम लोग के लाइफ में, हम लोग के करियर में, हम लोग का स्कूलिंग में, हम लोग के फैमिली बढ़ते जाता है, बच्चे आने होने रहते हैं, और अब इनकम और होम डेवलप हो रहा है, बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोग वापस घुटनों में आते ही नहीं है, हम लोग यीशु मसीह के चरणों में बैठते ही नहीं है जब वो प्रचार करते हैं। व्यवस्था विवरण का 32:15, यरूशलेम मोटा होकर लात मारने लगा, तू मोटा और रिश पुष्ट हो गया है और चर्बी से छा गया है। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। चर्बी, परमेश्वर बोलता था तुम ऑफरिंग खा सकते हो, नॉट बर्न्ट ऑफरिंग, होल बर्न्ट ऑफरिंग पूरा परमेश्वर के लिए, बाकी ऑफरिंग खा सकते हो, लेकिन एक चीज मत खाना। क्या चीज नहीं खाना? चर्बी, चर्बी परमेश्वर के लिए। नए नियम में बोला गया है तुम घमंड नहीं करोगे, करोगे तो किस में करोगे? बस प्रभु में करोगे, निर्बलताओं में करोगे, ताकि प्रभु का महिमा, परमेश्वर का अनुग्रह का और भी महिमा हो। चर्बी तुम्हारे लिए नहीं है, चर्बी परमेश्वर के लिए, उसको पूरा जला देना, चर्बी को पूरा पूरा जल जाना, क्योंकि जब चर्बी हो जाता है, हम लोग रिश पुष्ट हो जाते हैं, हट्टे कट्टे हो जाते हैं, तो सृजनहार ईश्वर जो हमारा बनाने वाला है,
जो हम लोग के अंदर वो टैलेंट्स दिए हैं, जो हमारे लिए वो अलग अलग द्वारों को खोले हैं, जो हमारे हमें वो फ्रेंड्स दिए हैं, वो कॉन्टैक्ट दिए हैं, वो रिसोर्सेज दिए हैं, वहाँ तक पहुँच हम लोग का कराए हैं, उसको हम लोग टच देते हैं और अपना उधार का मूल, जो हम लोग के उधार के लिए अपना जान दिया, वो चट्टान जिस पे आज हम लोग खड़े हैं और स्थिर हैं और गिर नहीं रहे हैं और लड़खड़ा नहीं रहे हैं और वो डिप्रेशन नहीं हो रहे हैं, हम लोग को एंग्जाइटी टैबलेट्स नहीं लेना पड़ता है, हम लोग को डिप्रेशन का टैबलेट्स नहीं लेना पड़ता है, हम लोग को स्ट्रेस रिलीफ वाला चीज सब नहीं लेना पड़ता है, हम लोग को इतना दवाई सब नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि हम लोग चट्टान पे बने हुए हैं, उसको हम लोग तुझे जानते हैं।